हेलो एवरीवन, मेरे इस सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th CBSE बोर्ड के यूनिट 1 को पढ़ेंगे। वर्क लाइवलीहुड एंड कैरियर, यानी कि कार्य आजीविका तथा जीविका के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य है अर्थपूर्ण कार्य आजीविका जीविका और स्वेच्छा वृत्ति के महत्व को समझना, जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता की अवधारणाओं को समझना, सामाजिक उत्तरदायित्व और स्वेच्छा वृत्ति के महत्व को समझना, उन मनोवृत्तियों और अधिगमों को समझना जो कि जीविका अवधि के दौरान सफल जीविकाओं में योगदान देते हैं, परंपरागत व्यवसायों तथा विशिष्ट समूहों जैसे महिलाओं, बच्चों और बड़ों से संबंधित कार्य से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील होंगे हम। इसके साथ साथ स्वस्थ कार्य परिवेश की विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। अब हम कार्य के बारे में समझेंगे। कार्य मूलतः एक ऐसी गतिविधि होती है जो कि सभी मनुष्य करते हैं और इसके द्वारा हर मनुष्य समाज में अपना एक स्थान बनाता है, नए संबंध बनाता है, अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं कौशलों का उपयोग करता है और इन सब से ऊपर अपनी अलग पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करना सीखता है, उसमें वृद्धि करता है। तो कार्य को हम एक आवश्यक गतिविधि के रूप में समझ सकते हैं जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है और हर एक संस्कृति का केंद्र बिंदु कार्य ही होता है, जबकि सभी संस्कृति की अपने मूल्य और संकल्पनाएं होती हैं जो सब कार्य से संबंधित होती हैं। कार्य बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, उम्र, कितने सी अवसर मिले, वैश्वीकरण, किस भौगोलिक एरिया में हम रह रहे हैं, उनसे मिलने वाले वित्तीय लाभ और पारिवारिक पृष्ठभूमि, इन सब पर कार्य निर्भर करता है। इसके अलावा कार्य करने के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि धन अर्जित करना, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को सपोर्ट करना, आराम प्राप्त करना, मनोरंजन करना और खाली समय का उपयोग करना। किसी ने सच ही कहा है कि कार्य एक तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेहक का काम करता है। इस दुनिया में सिर्फ मनुष्य ही कार्य नहीं करते, बल्कि जितने भी जीव हैं वो हमेशा काम में लगे रहते हैं और अपने जीवन चक्र में अपना योगदान देते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो कार्य करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसे अर्जित किए जाएं, बल्कि कार्य इसके अलावा किसी के परिवार के लिए, आजीविका के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य दुनिया के लिए और समाज के लिए बहुत योगदान देता है। तो इस प्रकार से हम कार्य को ऐसे भी देख सकते हैं कि कार्य एक आजीविका का साधन है, एक ऐसा कार्य और कर्तव्य जिसमें बाध्यता का बोध निहित है, नौकरी आय प्राप्ति और आजीविका की सुरक्षा का माध्यम है, धर्म और कर्तव्य स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, आध्यात्मिक आचरण का एक भाग है, स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम है, आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत है। कार्य करना और अपनी जीविका उपार्जित करना इससे स्वाभिमान और गरिमा को बढ़ाने के अवसर मिलते हैं, पद शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है, एक लाभप्रद अनुभव है क्योंकि कार्य करने के बाद हमें मानसिक रूप से संतुष्टि मिलती है। जब कोई व्यक्ति अर्थपूर्ण कार्य में सम्मिलित होता है तो उसे एक अलग पहचान, महत्व और प्रतिष्ठा का बोध विकसित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंगफुल वर्क, यानी कि एक अर्थपूर्ण कार्य क्या है। अर्थपूर्ण कार्य समाज तथा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है और ये करने वाले के लिए भी आनंददायक होता है। ये कार्य करने वाले की कुशलता पर, उसके कौशल पर निर्भर करता है, उसको समस्या समाधान करने की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है, इसके साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ये कार्य ऐसे वातावरण में संपादित किया जाना चाहिए जो सकारात्मक व्यावसायिक संबंधों के विकास को प्रेरित करे और जिसे मान्यता तथा लाभ भी प्राप्त हो। जब भी कोई कार्य परिणाम या अर्थपूर्वक होता है, परिणाम अर्थपूर्वक या सफल होता है, तो वह व्यक्तिगत विकास में भी योगदान देता है। इसके साथ साथ वो एक व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को और उसकी धन को बढ़ाता है। इसके साथ साथ वो उनकी अभिरुचियों, योग्यताओं और कौशलों के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक व्यक्ति की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके साथ साथ अगर ये बड़े रूप में देखा जाए, व्यापक रूप में देखा जाए, तो समाज की परिस्थिति को सुधारने के लिए भी योगदान के अवसर उपलब्ध कराता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि काम को अर्थपूर्ण काम बनाते हैं, वो हैं एक व्यक्ति की एट्रीब्यूट, एक व्यक्ति की योग्यता, अभिरुचि, उसका कौशलों के प्रति जो सबसे अधिक अनुकूल है, उसकी प्रतिभा, ये सब कुछ मिलकर एक किसी भी कार्य को अर्थपूर्ण कार्य बनाते हैं। जब भी हम कोई कार्य करने जाएं, कार्य करने जा रहे होते हैं, अपना करियर बनाने जा रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी फील्ड में अपना करियर बनाएं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं और हमारा मन भी बहुत तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब भी हम किसी करियर में किसी जीविका के साधन में अपने आप को डालते हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछ लेने चाहिए। वो है, एक व्यवसाय के लिए मेरी विशिष्ट प्रतिभाएं, विशेषताएं और अभिरुचियां क्या क्या हैं, क्या कार्य प्रेरक और चुनौतीपूर्ण है, क्या यह व्यवसाय मेरे उपयोगी होने का बोध कराने वाला है, क्या यह नौकरी मुझे यह आभास कराती है कि मैं समाज के लिए कुछ योगदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या क्या कार्यस्थल का वातावरण मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं। किसी भी करियर को, किसी भी जीविका को सेलेक्ट करते समय, चयनित करते समय हमें इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। वर्क, करियर एंड लाइवलीहुड, कार्य, आजीविका और आजीविकाएं। कार्य नियत परिणामों की गतिविधियों का एक समूह होता है, फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि हर काम वेतन के लिए किया जाए। इसमें उद्यम वृत्ति, परामर्श, स्वेच्छा वृत्ति, अनुबंध, समाज कल्याण के लिए हम जो कार्य करते हैं वो भी कार्य में आता है। ज़रूरी नहीं है इसको करने से हमें धन अर्जन हो। जीविका का अर्थ है साधन और व्यवसाय तथा जिनके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। इसमें व्यवसाय, जीविका मांग तथा जीवन शैली से संबंधित कार्य की रूपरेखा सम्मिलित होती है। दूसरी ओर जीविका प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में विशिष्ट होती है तथा उसमें बदलाव भी आता रहता है। जीविका एक जीवन प्रबंधन की संकल्पना है, जीवन पर्यंत जीविका में विकास होता रहता है। वेबस्टर शब्दकोश में जीविका को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, विशेष रूप से सार्वजनिक, व्यावसायिक
और व्यापारिक जीवन से जुड़े निरंतर गतिशील क्षेत्र और व्यवसाय और कार्य हैं श्रम अथवा कर्तव्य, जो व्यक्ति द्वारा उसकी जीविका आज सॉरी आजीविका के लिए चयनित जीविका अथवा रोजगार का सामान्य माध्यम है। कोई व्यक्ति जो कुछ भी चुनता है, व्यापक रूप से वह शरीर और मनोवृत्ति दोनों को पोषण करने के साथ साथ दूसरों को भी लाभान्वित करे। कार्य के अनेक परिप्रेक्ष्य हैं। व्यापक रूप में कार्य के प्रचलित अर्थ हैं वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड, कार्य एक नौकरी और जीविका के रूप में, वर्क एज अ करियर जीविका के रूप में कार्य, और जीविका के रूप में मनपसंद कार्य वर्क एज ए कॉलिंग। यानी कि इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि तीन व्यक्ति मजबूत हथौड़े से एक पत्थर तोड़ रहे होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने उत्तर देता है। पहला व्यक्ति कहता है कि यह मेरा रोजगार है, मैं इन चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रहा हूँ जिससे मुझे धन प्राप्त होगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा यह मेरी आजीविका है, मैं चट्टानों को तोड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तीसरे व्यक्ति ने कहा मेरी एक कल्पना है कि मैं एक मूर्तिकार बनूं, इसलिए मैं इन पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे रूप में तोड़कर एक मूर्ति बनाना चाह रहा हूँ। तीसरे व्यक्ति ने यह कल्पना की थी कि हथौड़े की प्रत्येक चोट उसकी जीविका को साकार करने में योगदान देगी, जबकि पहले और दूसरे व्यक्ति का ध्यान सिर्फ उसकी रोजगार और आजीविका पर था। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्लाइड से क्वेश्चन नोट डाउन करें, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे कार्य को समझा जा सकता है? दूसरा, नौकरी और जीविका में भेद कीजिए। तीसरा, अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम कार्य, आराम एवं मनोरंजन, जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक दायित्व, स्वेच्छावृत्ति और श्रमदान, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।